इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ यूपी बोर्ड का जो आपका जो फर्स्ट फोर चैप्टर है प्रोज का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके हम वर्ड मीनिंग देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके हिंदी मीनिंग देखेंगे। थोड़ा मतलब कि बहुत लंबा स्टोरी है ये वाला, तो इसको हमने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पैराग्राफ देखेंगे, चार पांच पैराग्राफ या छः सात पैराग्राफ, फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम करते रहेंगे ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। वीडियोस थोड़ी लंबी होगी, उससे चिंता मत करें, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझ में स्टोरी आ जानी चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वो हम देखेंगे, और आप ये वीडियोस देख रहे हो उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस चैनल को जितना पसंद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत, जितना मतलब मैं बोल सकता हूँ उतना, उससे कई ज़्यादा आप सोच सकते हो, आपको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। और साथ में ये फैमिली जो हमारी बढ़ रही है, ये और बढ़े इसकी मैं आशा करता हूँ, होप करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों अच्छे तरीके से सीखें, जाने पहचाने एक दूसरे को, वो भी अच्छे तरीके से जाने। तो इतना आप मुझसे इंटरेक्शन रखोगे, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछते रहोगे, और तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोगों को हम मिल पाएंगे और बातें कर पाएंगे। तो उस हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिल्टर के साथ आ सकते हैं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पे, फिर हम चलेंगे हिंदी रूपांतरण पे। तो जो प्रोज का फोर्थ चैप्टर है, वो उसका नाम है द होम कमिंग। इसको लिखा किसने है? द ग्रेट रवीन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगर आपको पता नहीं है हु इज़ और हु वॉज रवीन्द्रनाथ टैगोर, तो प्लीज़ जाके पता करें, काफ़ी चीज़ें आपको पता हो जाएंगी। अदरवाइज़ मैं अभी बस जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिर भी अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अगर आपको पहले से पता है तो बुक में बिना देखे कि रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, बिना बुक में देखे। अभी जो आप देखने जा रहे हो प्लीज़ मत देखें, पता है तभी कमेंट में लिखें। तो अगर आपके पास बुक है तो आप चेक कर सकते हो। प्रतीक चक्रवर्ती, उसको बंगाली लोग चक्रवर्ती बोलते हैं, वती बोलते हैं, तो हम वती नहीं बोलेंगे, हम वती बोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत मत समझिएगा, बंगाली वती बोलते हैं। तो प्रतीक चक्रवर्ती से लेकर एंड ऑल तक, मतलब जो आपके पास चैप्टर है उसमें आप चेक कर सकते हो। पांच छह हमने पैराग्राफ कवर करने की कोशिश की है, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग जो होगा, जो आपको हो सकता है आपको ना आए, वो मैंने बताने की कोशिश की है। आप फटाफट नोट कर लीजिए आपको जो नहीं आ रहा है। रिंग लीडर, रिंग लीडर मतलब सरदार, किसी ग्रुप का सरदार होना। अमंग मतलब के बीच में, मिस्चिफ मतलब नुकसान या जो नटखट करता है, ठीक है ना। हैवी मतलब भारी, लाइंग मतलब झूठ बोलना, ठीक है ना। फिर मड फ्लैट, कीचड़ समतल, मतलब वो जगह जहाँ पे कीचड़ होता है, वो मिट्टी जहाँ पे कीचड़ होती है उसको मड फ्लैट कहते हैं। मस्त मतलब मस्तूल, अभी जानेंगे मस्तूल क्या होता है, उर्दू वर्ड है ये। डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। टुगेदर मतलब साथ में। शिफ्ट मतलब घिसक जाना किसी एक जगह से, बोलते ना प्लीज़ शिफ्ट हो जाओ थोड़ा, जब आप किसी ट्रेन में बैठते तो बोलते ना थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, हल्का सा बगल हो जाओ, तो वही। लॉग मतलब छाटना या एक तरीके से उसको एक ग्रुप में रखना, ऐसे कुछ। फोर्स मतलब बल, न्यूटन बाबा वाला आपने पढ़ा ही होगा। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित। सेकेंडेड दूसरा, या उसको मान लेना या दूसरा, दोनों होता है, मान लेना या दूसरा। प्रपोज मतलब प्रस्ताव। अन एनिमियसली बोलते हैं, अन एनिमियसली मतलब होता है सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से। मतलब बिगिन मतलब शुरू। सॉन्टेड मतलब होता है सैर। सॉन्टेड मतलब क्या होता है? सैर, जब हम सैर के लिए निकलते हैं ना किसी अगल बगल, उसको सॉन्टेड बोलते हैं। सेट डाउन बैठ गया। पजल्ड फंस गए, मतलब कन्फ्यूज हो गए। पजल आता है ना पेपर में सॉल्व करने के लिए, वही वाला, तो वैसे ही वर्ड है पजल्ड। टिमिडली डरते डरते या डर कर, दोनों हो सकता है। अनकंसर्न्ड मतलब किसी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा कंसर्न नहीं हो, ज़्यादा आप मतलब उसको लेकर ज़्यादा आप चिंतित नहीं हो, तो उदासीन बोल सकते हो। और अनकंसर्न्ड की मीनिंग ये हो सकती है कि आप उस चीज़ को लेकर ज़्यादा फोकस नहीं हो, ठीक है ना, तो आप इंटरेस्टेड नहीं हो। अपीयर्ड मतलब दिखाई दिया। फिलोसोफर मतलब दार्शनिक। और मेडिटेटिंग मतलब विचारना या एक तरीके से योगा करना, लेकिन योगा मेडिटेट थोड़ा सा अंतर है, हम अभी पढ़ेंगे तो जानेंगे। फिर लिखा है फर्टिलिटी मतलब निर्धरता, ठीक है, या उपजाऊपन बोल सकते हैं। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। डिग्निटी गौरव, बोलते ना ये मेरी डिग्निटी है, मेरी डिग्निटी से मत खेलो।
मेरे गर्व से मेरे मत खेलो, ऑट टू करना चाहिए। देखो शुड मतलब भी होता है चाहे करना चाहिए या चाहिए, ऑट टू मतलब होता है जो मौलिक रूप से, जैसे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने देश का सम्मान करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, अपने पुरजों का मतलब सॉरी अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, उसके लिए हम ऑट टू लगाते हैं। थ्रेट मतलब धमकी, ठीक है, और थ्रेट मतलब परेशानी होता है, धमकी भी होता है, ठीक है ना, दोनों हो सकता है। करेज मतलब साहस, क्राइसिस मतलब संकट, फर्टाइल मतलब उपजाऊ, अभी हमने देखा था फर्टिलिटी वाला वही है, थोड़ा उसके थोड़ा अलग ही फर्टिलिटी हो जाता है, निर्थकता, और जो पहला आपको वर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे मैं उसकी बात कर रहा था। अब हम नीचे से तीसरा आते हैं, नीचे से वो आप देखिए स्क्रीन पे नीचे तीसरा फर्टाइल उपजाऊ। सीज मतलब जब्त होता है ना, जब गवर्नमेंट जब कोई भाग जाता है तो गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है, या कहीं मर्डर होता है तो पर्टिकुलर एरिया सीज हो जाता है, सीज मतलब जम जाना, जब्त हो जाना। मैन ओवर एक वर्ड होता है जो तिकड़म इसका होता है, किसी को तिकड़म लगाना, जुगाड़ करना, वही ठीक समझ में आ रहा वही। फिर डिस्कम्फिट, डिस्कम्फर्ट से बना डिस्कम्फिट, गड़बड़ करना या गड़बड़ी होना। अफोर्ड मतलब बर्दाश्त, बोलते ना कि इसको अफोर्ड कर लेगा, इसको ये सह लेगा, ये मेरे अफोर्ड से बाहर है, ये जो कार तुम बोल रहे मेरे अफोर्ड से बाहर है, मतलब वो उसको सह नहीं पाएगा, इसका मतलब ये हुआ। और भी मीनिंग होती है वो देखेंगे हम बुक में। अम्यूजमेंट मतलब मनोरंजन, या बोल सकते हो कि एक तरीके से आप जहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को रखकर आप चेक करते हो और आनंदित पाते हो, आनंद पाते हो। स्टिक ऑन लगाना या लगे रहना। ओवरलुक्ड अनदेखी करना, ठीक है ना। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। अर्थली मतलब सांसारिक, ठीक है ना, मतलब सब सम के लिए, संसार के लिए। फेम मतलब प्रसिद्धि। पेरिल मतलब जोखिम, है ना। अब बिगेन मतलब शुरू हुआ। फिर माइट मतलब पराक्रम, या माइट मतलब सत्ता भी हो सकता है, जो हमने पढ़ा था मतलब कि जो हम जानते हैं ग्रामर में, माइट मतलब होता है सत्ता, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है ना। फिलॉसफी मतलब दर्शन, फिलॉसफर दर्शन शास्त्री और फिलॉसफी मतलब दर्शन, या दार्शनिक जिसे बोलते हैं फिलॉसफर मतलब। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड अभी हम देखेंगे बुक में, चेक करेंगे और कोशिश करेंगे उसको 1-to-1 वर्ड के थ्रू या सेंटेंस के थ्रू समझने की। प्लीज़ आप ज़रूर इसको पूरा वीडियो देखें आप, और साथ में अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेड जो आपको वर्ड मीनिंग मिला है उसका आपको डॉक्यूमेंटेड लिंक चाहिए, तो आप कमेंट में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कमेंट का जो टाइटल रहेगा वो रहेगा सिंपल इन डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और सिंपल लिखेगा वोकैबुलरी इन रिटन फॉर्म। इस तरीके से आप ज़रूर जाके उस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म में ये सब मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको कॉपी करके अपने हिसाब से कहीं भी सेव कर सकते हो। अब चलते हैं हम डायरेक्ट अब बुक पे, चलिए स्टार्ट करते हैं बुक की स्टडी को। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, हम बात करने वाले डायरेक्ट अब लेसन के। लेसन क्या नाम है? द होम कमिंग अबाउट द ऑथर। जान लेते हैं, पूरा जान लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पोएट के बारे में थोड़ी जानकारी रखें। तो लिखा है रविन्द्र नाथ टैगोर। प्लीज़ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है स्क्रीन से तो बुक जरूर रखें अपने पास, हो सकता है कि पब्लिकेशन दूसरी हो पर बुक जरूर रखें, काफ़ी चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी, खासकर अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन। हो सकता है आपको ना है, लेकिन जो स्टोरी है वो तो सेम होती है, तो स्टोरी आपको पूरी समझ में आएगी। तो पहले समझते हैं जिसके पास सेम अगर पब्लिकेशन की बुक है तो, नहीं है फिर भी आप देखने की कोशिश करें। लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। हमें पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उनका बैकग्राउंड होना जो बहुत ज़रूरी है। ही गॉट हिज एजुकेशन या एजुकेशन इन हिज हाउस। एजुकेशन बहुत लोग बोलते हैं, मतलब एजुकेशन बोलते हो, नॉर्मली आप एजुकेशन बोल सकते हो पर कई लोग इसको एजुकेशन बोलते हैं। तो लिखा ही गॉट हिज एजुकेशन इन हिज हाउस, उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने घर से की, अर्थात घर पर रह के की। ही वॉज द ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड मतलब जो अभी जो 200 साल की बात हो रही है, तो भारत में वो सबसे महान या सबसे बड़े लिटरेरी फिगर मतलब यहाँ मतलब कि व्यक्तित्व, मतलब कि लेखन के व्यक्तित्व, तो सबसे बड़े फिगर आप बोल सकते हो कोई व्यक्ति हमारे देश में हैं। एक रामधारी सिंह दिनकर हैं, टैगोर जी हैं, ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन नॉर्मली यही एक दो बहुत फेमस हैं। लेकिन टैगोर शॉर्ट फिक्शन इज ऑफन सेट इन रूरल बंगालीज विलेज। सेट मतलब कि बना होता था, तो उनका जो नॉर्मली जो भी शॉर्ट फिक्शन, फिक्शन मतलब ऐसी चीज़ जो फिक्शन होती है, जैसे आप एवेंजर्स मूवी देखे हो ना,
ये जितने भी आप एनिमेटेड मूवी देखते हो जिसमें एनिमेशन होता है वो फिक्शन बेस्ड होता है, फिक्शन मतलब कि काल्पनिक। तो वो ये टाइगर की जो छोटी छोटी स्टोरी होती थी वो काल्पनिक होती थी, लेकिन वो रूरल बंगाली विलेजर्स विलेज से थोड़ी सी इंस्पायर होती थी, उससे वो एक थोड़ी सी अपने हिसाब से दिमाग लगाकर स्टोरी बनाते थे। एंड इज पीपल्ड बाई कैरेक्टर्स फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज सेक्टर ऑफ सोसाइटी। अंडर प्रिविलेज मतलब जो प्रिविलेज नहीं हो पाए, जो पढ़े लिख नहीं पाए, जो उच्च श्रेणी में नहीं आ पाए, उनके उनसे रिलेटेड ये स्टोरी नॉर्मली लिखते थे और करेक्टर्स उनके लिखते थे उन लोगों के, ठीक है ना। सेक्टर ऑफ सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग टैगोर्स कमिटमेंट टू द सोशल रियलिज्म। रियलिज्म मतलब होता है समानवाद, तो सबको समान स्थिति में रखना। तो टैगोर इससे पता चलता है कि टैगोर चाहते थे कि समाज में रियलिज्म बना रहे, ठीक है ना, मतलब कि समानवाद बना रहे समाज में, कोई ऊपर नीचे ना हो। तो बार बार स्टोरी में वो लाते थे ऐसे लोगों को और स्टोरी से हमको समझाने की कोशिश करते थे कि सबको बराबर हक होना चाहिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मतलब चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। फिर लिखा इन प्रोस एंड टेन्स ईयर्स अमंग सच इंडिविजुअल। और जो उन्होंने 10 साल स्पेशली उन्होंने 10 साल दिया था पोइट्री को, प्रोस को, उसके बाद उन्होंने और भी सोशल कामें की थी। उस समय वो पोइट्री पोएट बना रहे थे, पर मैक्सिमम जो 10 ईयर इनका था पीक ईयर, पीक मतलब सबसे मुख्य, वो उसमें इन्होंने बहुत काम किया था प्रोज में, खासकर प्रोज पोइट्री बहुत फेमस इनकी। आपको पता होना चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे इंडिया के वन ऑफ द पॉपुलर सॉन्ग, या बोल सकते हो एक गीत लिखा है, या बोल सकते एक पोएम लिखा था। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि वो नेशनल है, जरूर राष्ट्रीय है। तो वैसे कौन सी गीत है या कोई ऐसी पोयम है जो राष्ट्रीय है जिसको हम गाते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि वो कौन सा टाइटल क्या है उस संगीत का, उस पोयम का टाइटल क्या है। फिर अब चलते हैं, लिखा है इंडियन कल्चर हेरिटेज इन्फ्लुएंस्ड हिम वेरी मच। हेरिटेज मतलब जो यहाँ भारत का जो कल्चर है, जो भी यहाँ की संस्कृति है वो, और जो समान्यवाद है, और वो इनको बहुत प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित किया। ही रोट पोएम्स, उन्होंने कविताएं लिखी, नॉवेल्स लिखे, उपन्यास लिखे, एंड शॉर्ट स्टोरीज छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, प्लेज लिखे, नाटक लिखे, एंड रिमेंसेस मतलब होता है कि स्मृतियाँ, मतलब किसी चीज़ को याद करके आप कोई चीज़ लिखते हो तो उसको स्मृतियाँ कहते हैं। जैसे कि आप लिखते हो कि मैं लिखते हो ना कि एक यात्रा, गोवा की यात्रा, आप गोवा से घूम के आ गए हो, फिर एक महीने बाद आप गोवा की यात्रा लिख रहे हो, तो उसको रिमेंसेस बोलते हैं, ठीक है ना। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज ऑफ हिज लिटरेरी सर्विस इन 1913। लिटरेरी सर्विस मतलब कि ये लेखन में, पढ़ाई में, लिखाई में, या बोल सकते हो कि जो उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने रचनाएं की उसको लेकर उन्होंने उनको नोबल प्राइज, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइज इन द वर्ल्ड, सबसे महान प्राइज में से एक प्राइज होता है नोबल प्राइज, वो इनको मिला था पूरे दुनिया के कंपेयर में देखा जाए। और लिटरेरी के रूप में मिला था, भारत के पहले व्यक्ति थे जिनको लिटरेसी में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। आगे लिखा ऑल हिज राइटिंग एक्सप्रेस हिज डीपेस्ट नोट एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथी टुवर्ड द पुअर एंड द हेल्पलेस। तो जो भी उनकी राइटिंग्स अगर पढ़ोगे आप तो एक्सप्रेस होगा, आपको प्रतीत होगा, दिखेगा कि उनका डीपेस्ट नोट होता था, मतलब कि बहुत गहराई तक वो बातों को समझते थे उनके, किसके, गरीब लोगों के, एंड फीलिंग ऑफ सिंपैथी, और उनके एक दया के भाव बोल सकते हो, और एक समानता की भाव थी, जैसे होता है ना कि वो मैं उसकी भावनाएं समझूँ, वो मेरी भावनाएं समझे, वो फीलिंग वो रखते थे टूवर्ड्स की ओर द पुअर एंड द हेल्पलेस, गरीब और जो असहाय होते उनके बीच में वो ऐसे भावनाएं रखते थे। तो आप समझ सकते हो कि जो स्टोरी है ये वाली द कमिंग होम, जो ये स्टोरी है, सॉरी द होम कमिंग, ये आपको बता सकती है कि स्टोरी कैसी होगी। फिर आगे लिखा है हिज प्रोज वर्क हैज़ द पोएटिक स्टाइल। जो प्रोज लिखते थे उसमें पोएट्रिक स्टाइल होती थी, अर्थात जो भी वो कहानियाँ लिखते थे, देखिए कहानियाँ पोएम मतलब अंतर होता है कविताएं में, फिर भी वो इस तरह लिखते थे जैसे लगता है कि आप कोई पोएम पढ़ रहे हो, इतनी सुंदर लगती थी। एंड द ब्यूटी ऑफ हिज एक्सप्रेशन इज प्रेजवर्दी। प्रेजवर्दी मतलब सराहनीय है, जिस तरीके से वो जिस शब्दों का प्रयोग करते थे, कविताएँ हों चाहे वो आप रिटर्न आप बोल सकते हो लेखन हो, जैसे इन्होंने ये स्टोरी लिखी है, सब में आप पाओगे कि बहुत अच्छे वर्ड्स का वो यूज़ करते थे। ही डाइड इन 1941 और उनकी मृत्यु 1941 में हो गई, ठीक है ना। ये तो हो गया उनके बारे में। अब अबाउट द हम लेसन पढ़ते हैं। देखिए मैं इसलिए उनकी बात बता रहा था क्योंकि कई लोग हम ऐसे हैं जिनको उनके बारे में पता नहीं है,
और तो कम से कम थ्रू लिटरेचर थ्रू स्टोरी हम कुछ तो जान लें उनके बारे में। तो अबाउट द लेसन, मैं कन्फर्म हूँ कई लोगों को इनके बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं पता थी, अब पता चल गई हैं, है ना। अगर आप ऐसी बात है तो प्लीज़ मुझे बताइए कि इसमें से आपने क्या सीखा। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो आपने टैगोर के बारे में कितनी चीज़ें जानी हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, मतलब आप कुछ भी नहीं जानते थे तो आप मुझे बताइए कि आपने 100% जाना है। आप कुछ कुछ जानते थे तो बताइए 50%, 60%, जो भी। अगर आप थोड़ा सा एकदम जानते थे कि हाँ कोई थे, तो आप 10%, 20% लिख सकते हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए ताकि पता चले कि कौन कितनी जानकारी रखता था। और बी लॉयल, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सब पता हो। ये नहीं कह रही मैं लिख दूंगा 10% तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बी फ्रैंक और सच बोलना सीखिए। सच बोलोगे तो काफ़ी फ़ायदे आपको मिलेंगे लाइफ में, आगे आपको काफ़ी चीज़ें सामना करने में आसानी होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये भाग लेना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप कितना परसेंट जाने हो आप अब। तो चलते हैं आगे, अबाउट द लेसन देखते हैं। लिखा है द होम कमिंग द टैगोर बेस्ट नोन फॉर शॉर्ट स्टोरी, मतलब होम कमिंग जो चैप्टर है वो टैगोर की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बोल सकते हो, शॉर्ट स्टोरी, छोटी स्टोरी है। होम कमिंग इज़ अ टेल ऑफ 14-year-old बॉय, ये कहानी है। टेल मतलब नॉर्मली आप पूछ होती है, लेकिन यहाँ मतलब टेल मतलब कहानी है कि टेल की स्पेलिंग वाला आप देखोगे तो थोड़ी सी अलग मिलती है आपको। तो जो होम कमिंग है तो ये कहानी है 14 साल के बच्चे की, हु वॉज न्यूएंसेस टू हिज मदर, जो अपने माँ को क्या कहता परेशान करता था या जो परेशानी का कारण था, ठीक है ना। ही वॉज सेंट अवे फॉर स्टडिंग इन कलकत्ता, मतलब वो गांव में रहता होगा तो उसको शहर में कलकत्ता में पढ़ाने के लिए भेजा गया, सेंट अवे मतलब भेजा गया, इन विथ हिज अंकल, अपने अंकल के साथ, अंकल को आप चाचा मान सकते हो, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे पता चलेगा वो चाचा थे कौन थे। ही मिस द मीडियो, वो अपने मीडियो मतलब वो घास के मैदान, उसने क्या मिस किया जब वो गांव वहां गया तो उसने अपने मैदान मिस किए, माउंटेन पहाड़ मिस किए, एंड द रिवर ऑफ हिज नेटिव विलेज, और जो उसका उसका जो राष्ट्र मतलब जो उसका खुद का गांव था, नेटिव विलेज मतलब खुद का गांव, ठीक है ना। तो जो उसका खुद का गांव था उसका उसने मीडो मतलब खेत मैदान पानी रिवर ये सब उसने मिस किया। देयरफॉर इसलिए इट वाज नॉट वंडर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ही बिकेम अ फेलियर एट स्कूल, कि इतना ज़्यादा वो खोया रहता था अपनी पुरानी चीज़ों को लेकर कि वो स्कूल में क्या हुआ, फेलियर साबित हुआ, मतलब फेल हुआ वो बार बार। ही आंसर नो क्वेश्चन सो ही वॉज बीटन बैडली डेली एट स्कूल, वो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता था इसलिए वो स्कूल में बहुत बुरी तरीके से मारा जाता था, पीटा जाता था, ठीक है ना। ही ग्रू इम्पेशेंट अबाउट रिटर्निंग टू होम, वो मतलब इम्पेशेंस होता था, मतलब कि वो ज़्यादा जब वो हमेशा वो उत्सुक होता था कि कब घर जाना, कब रिटर्न करना है घर को, कब रिटर्न करना है घर को, कब मैं अपने गांव जाऊंगा, ऐसे वो बार बार इम्पेशेंट होता था। एंड बिगेन टू आस्क, बार बार पूछा करता था और पूछने लगा वो। व्हेन द हॉलीडेज वुड कम, जब हॉलीडेज आती थी तो वो नॉर्मली पूछता था हम गाँव कब जाएंगे, हम घर कब जाएंगे, इस तरीके से। टैगोर दिस स्टोरी एक्सप्रेसेस द ग्रीफ एंड द सॉरो ऑफ अ लिटिल माइंड, ये जो स्टोरी है ये आपको थोड़ी सी ग्रीफ, थोड़ी गहरी ग्रीफ मतलब कि थोड़ा दुख की बात कही जाएगी, और कितना ग्रीफ एंड सॉरो मतलब कितना वो दुखदाई और दुख था उस छोटे बच्चे के लिए जो 14 साल का था, अपने घर से बाहर आ गया, ठीक है शरारतें करता था पर वो बाहर आ गया और जो भी उसको फेसेस करने चैलेंजेस फेस करनी पड़ी वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत अच्छी स्टोरी है, लेकिन हाँ थोड़ी सी ये कोई हंसी मजाक वाली स्टोरी नहीं है, पॉजिटिव स्टोरी हम बाद में निकालेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि स्टोरी जो वो कैसी होगी, वो होगी थोड़ी सी एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इमोशनल, अगर आप उसको टच को समझोगे तो। लिखा है प्रतीक चक्रवर्ती नाम है, चक्रवर्ती बंगाली लोग चक्रवर्ती बोलते हैं, आप नॉर्मल चक्रवर्ती बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्रतीक चक्रवर्ती, जैसे हम मिथुन चक्रवर्ती बोलते हैं वही वाला, तो प्रतीक चक्रवर्ती वॉज अ रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, रिंग लीडर मतलब होता है मेन आदमी, ठीक है ना, प्रमुख आदमी। तो वो प्रमुख लड़का था अपने गांव का, यानी कि जो भी उनके ग्रुप होगा बच्चों का छोटे सा ग्रुप, उसमें वो लीडर था। अ न्यू मिस्चीफ्स गॉट इनटू हिज माइंड हेड, एक नई शरारत, मिस्चीफ मतलब शरारत बोल सकते हो, एक नया उद्दंग या नई शरारत उसके दिमाग में आई। देर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग इन द लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर बैंड मीनिंग, हैवी लॉग, लॉग मतलब समझ सकते हो कि लॉग मतलब आप बोल सकते हो कि सामान था,
या कुछ कुछ भारी सामान था जो पड़ा हुआ था मड फ्लैट। लेकिन जब नदी के या समुद्र किनारे जो आपका हिस्सा होता है वहाँ थोड़ा कीचड़ टाइप का होता है ना नदी किनारे, तो उस मडी मड फ्लैट पे एक जो रिवर का था मतलब किनारे वाला हिस्सा नदी के, वहाँ पे क्या था, वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू अ मास्ट फॉर अ बोट। ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रहा था, एक शेप बनाया जा रहा था बोट के लिए। ठीक है ना, बोट के लिए वो क्या बनाया, एक शेप बनाया जा रहा था। तो वहाँ उस पर सामान लोड किया जा रहा था और उसको रखा गया था। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट प्लेस एंड रोल इट अवे। क्या लिखा, ही डिसाइडेड दैट, उसने निर्णय लिया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, कि वो सब साथ में काम करेंगे। कौन, जो बच्चे हैं वो सब साथ में काम करेंगे। टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स, मतलब जो इसको शिफ्ट कर देना है, जो लॉग है, जो सामान है उसको आप शिफ्ट कर दो। ठीक है ना, उसको आप बगल कर दो या हटा दो फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने प्लेस से रोल इट अवे, और इसको कहीं रोल कर दो, इसको घुमा कर कहीं और दूर कर दो। तो शरारत उनके दिमाग में आया। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री, जो लॉग जो भी मालिक होगा इसका वो बहुत गुस्सा होगा एंड सरप्राइज और आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन, और सभी लोग इन्जॉय करेंगे इस, मतलब बच्चे बोल रहे हैं कि मज़ा आएगा जब वो परेशान होगा तो मज़ा आएगा, है ना। ऐसा हम लोग खुद करते हैं कि जब थोड़े और, मतलब मान लीजिए कि आप जब हम लोग 10 साल के होते हैं तो हम ऐसे शरारत करते हैं जिसमें कुछ नुकसान होता है फिर मज़ा आता है। तो वही यहाँ पे बच्चों के दिमाग में आया। एवरी वन सेकेंडेड द प्रपोजल, सेकेंडेड मतलब सभी ने स्वीकार किया या सभी ने इस बात को आगे बढ़ाया यानी कि स्वीकार किया। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमेशली, मतलब और ये बिना किसी रोक टोक के बढ़ाए, बिना किसी उसके उत्सुकता के साथ ये आगे बढ़ा, मतलब ये बात आगे बढ़ी। अब चलते हैं आगे देखते हैं, आगे का जो पॉइंट है उस पर हम अब जाते हैं। लिखा है बट, ठीक है ना, बट से हम आगे बढ़ेंगे। बट से यू तक, तो जो देखिए पॉइंट है, लास्ट पॉइंट जो था वो क्या था, इट वॉज कैरियड अनएनिमियसली, मतलब बिना किसी रुकावट, बिना किसी मतभेद के सब लोग सर्वसम्मति से आगे बढ़े। लिखा है बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, मतलब शुरू होना, तो जैसे ही वो जो मस्ती थी, वो जो काम था वो शुरू होने वाला था, मक्खन बोल सकते हो, प्रतीक यंगर ब्रदर, ठीक है ना, जो प्रतीक का छोटा भाई था, यंगर ब्रदर मतलब छोटा भाई होता है, साउंडेड मतलब वो चलते हुए या बोल सकते हो कि टहलते हुए, सैंड डाउन ऑन द लॉग इन द फ्रंट ऑफ देम, जो ढांचा था, जो सामान था लॉग था लकड़ियों का बोल सकते हो, उस पर वो बैठ गया। सैट डाउन मतलब बैठ जाना, तो बैठ गया। देम ऑल विदाउट अ वर्ड, बिना किसी शब्द के वो गया वहाँ पे, टहलते हुए वहाँ पे बैठ गया सैर करते करते। फिर आगे लिखा है द बॉयज़ वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, जो बॉयज़ थे लड़के थे वो पजल्ड थे, वो मतलब एकदम कन्फ्यूज थे, भाई ये क्या मतलब, बड़ा भाई हम लोग को शरारत करने के लिए कह रहा है, छोटा भाई जाके बैठ गया, तो वो कन्फ्यूज हो गए थे। ही वॉज पुश्ड रैदर टिमिडली, ठीक है ना, तो वो जो लड़के को पुश किया गया, ढकेला गया रैदर टिमिडली, मतलब डर के, पर उसको हटाने की कोशिश की गई बाई वन ऑफ द बॉयज़, जो ढेर सारे लड़के जो आए थे शरारत करने के लिए, उनमें से एक ने उसे थोड़ा हल्के से डरते हुए कि भाई ये तो लीडर का भाई है, वो डर रखते हुए उसने उसको थोड़ा धक्का दिया या ढकेला, ठीक है ना, एंड टोल्ड टू गेट अप, और कहा मतलब उस और कहा गया उसको किसको, प्रतीक सॉरी माखन को कहा गया। ही रिमेन क्वाइट, बट वो शांत रहा, अनकंसर्न, बिना किसी उसको उन्होंने ध्यान नहीं दिया उसने, छोटे भाई ने, और बिना किसी उसके दिक्कत के उसको भाई क्वाइट रहा, रिमेन क्वाइट मतलब शांत रहा। ही अपियर लाइक अ यंग फिलोसोफर, वो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लग रहा था कि वो एक यंग फिलोसोफर, एक युवा दार्शनिक जैसे होता है वैसा वो लग रहा था, बड़ा शांत एकदम। मेडिटेटिंग ऑन द फर्टिलिटी ऑफ गेम, फर्टिलिटी मतलब जो उपजाऊ था गेम के लिए, जो उपजाऊ था अर्थात जो जिसपे फसल होने वाली थी, अर्थात जिसपे जो मज़ा आने वाला था। गेम ऑफ फर्टिलिटी ऑफ गेम मतलब होता है कि वो जो गेम मस्ती होने वाली थी उसका जो उपजाऊपन था, वो तो लॉक से स्टार्ट होने वाला था, जो मेन स्टार्ट था वो तो लॉक से स्टार्ट होने वाला था, वही बैठ गया। तो वो लोग सोच रहे थे कि ये जो ऐसा लग रहा था कि वो एक युवा फिलोसफर है जो मेडिटेट कर रहा है,
उस जगह पर जहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाली थी, यही मतलब है। प्रतीक वॉज फ्यूरियस, प्रतीक थोड़ा मतलब थोड़ा फ्यूरियस हो गया, थोड़ा डर गया, या थोड़ा अपने होता है कि अंदर से फीलिंग आ गई कि क्या मेरा भाई, मेरा भाई कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो उसके अंदर वो फीलिंग आ गई। माखन, ही क्राइड, उसने चिल्लाया माखन, मतलब होता है ना जो बड़ा भाई देखता है छोटा भाई कुछ कर रहा है तो बोलते हैं ना, हे क्या कर रहे हो, वैसे ही माखन, ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट आउट दिस मिनट आई एल थ्रेस यू। आई एल मतलब होता है आई विल, शॉर्ट में उसको आई लिखते हैं। लिखा है इफ़ यू डोंट गेट डाउन, अगर तुम नीचे नहीं उतरोगे दिस मिनट, इस समय मतलब, दिस समय मतलब इस समय मतलब दिस समय, ये मत समझिएगा कि पूरा 60 सेकेंड, यहाँ मतलब नॉर्मली दिस समय, इस समय, इस समय अगर नहीं रुकोगे आई एल थ्रेस यू, मैं तुम्हें थ्रैश कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, जैसे कचड़े को फेंका जाता है वैसे तुमको फेंक दूंगा, तुमको मार दूंगा, ये बोल रहा है बड़ा भाई। नॉर्मली हम सुनते हैं बड़ा भाई ऐसे ही बोलते हैं, है ना, ए उतरो क्या कर रहे हो, मारेंगे ना तो जाओगे, इस तरीके से वो भी बोला होगा बड़ा भाई, क्योंकि प्रतीक बड़ा है माखन छोटा है, तो इस तरीके की वार्तालाप हुई होगी होप। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे, आगे बढ़ते हैं। लिखा है माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन, और जो माखन था जो छोटा भाई था वो सिर्फ हल्का सा मूव हुआ, ओनली मूव मतलब हल्का सा वो मूव हुआ, हल्का सा वो हिला टू अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन, और वो और कंफर्टेबल पोजिशन मतलब और आरामदायक जगह पे वो बैठ गया, मतलब बैठा होगा जहाँ हो सकता है उसको ठीक से ना बैठा हो, पर जब उसने भाई ने डांटा तो वो और आराम जगह पे बैठ गया, लॉक पे ही। अब देखिए आगे क्या लिखा है, 9 से हम चलते हैं 8 तक, ठीक है ना। लिखा है नाउ इफ प्रतीक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, कि इफ मतलब यहाँ की है नाउ, अब मतलब कीप मतलब ये कंडीशन है कि इफ प्रतीक वॉज टू कीप हिज रीगल रीगल डिग्निटी, रीगल डिग्निटी मतलब जो उसने जो अपनी जो एक तरीके से धौस जमाई थी, जो उसने एक तरीके से अपना सम्मान रखा था अपने दोस्तों के बीच में बिफोर द पब्लिक, उसको मतलब चोट ना पहुँचे, अरे ये तो भाई का लड़का है कुछ नहीं कर पा रहा है, ये हमारा लीडर है, ये अपने भाई को नहीं हटा पा रहा, तो हमको, हम लोगों को क्या लीड करेगा, तो ये जो फीलिंग थी उसको आ रही थी किसको, प्रतीक को। नाउ इफ द प्रतीक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, पब्लिक यहाँ मतलब है बच्चों को लेकर है, ये नहीं पूरी जनता, यहाँ पब्लिक मतलब बच्चों को लेकर है जो उसके दोस्त थे, इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कैरी आउट मतलब निकालना या फेंकना, और थ्रेट मतलब होता है मुसीबत या एक तरीके से परेशानी चुनौती बोल सकते हो आप। तो यहाँ कंडीशन है, कंडीशन वाले में हमसे याद है अगला दो सेंटेंस आते हैं, तो जो पहला सेंटेंस इफ़ लगा है मतलब यदि प्रतीक अपने जो रीगल डिग्निटी जो उसका सम्मान था अपने दोस्तों को, दोस्तों के सामने जो धौस थी उसको अगर वो बरकरार यानी कीप रखना चाहता था बिफोर द पब्लिक, अपने पब्लिक के सामने यानी अपने जो भी उसके पास जो भी अपने दोस्त थे उसके सामने वो रखना चाहता था, इट वॉज क्लियर, ये मतलब साफ था, अगर वो ये रखना चाहता था तो इट वॉज क्लियर, वो एकदम साफ था, ही ऑट टू, ऑट टू मतलब मतलब जरूर चाहिए, देखिए ऑट टू मतलब होता है मानवता के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ मानवता ये आ गया है कि भाई वो अपने मानवता के लिए कर रहा है कि भाई मेरा धौस बना रहेगा, तो वो बताना चाह रहा है इट वॉज क्लियर ही ऑट टू कैरी आउट हिज थ्रेड, ये साफ साफ था कि उसे अपने थ्रेड को, अपनी मुसीबत को, अपनी चेतावनी को वहाँ से कैरी आउट, उसको हटाना था, क्योंकि भाई अगर वो जो अपने भाई को नहीं हटा सकता वो क्या हटाएगा, अपना लीडर, लीडर कैसे बनेगा वो, यही बात वो सोच रहा था प्रतीक। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्राइसिस मतलब जो भी दिक्कत होती है या जो परेशानी होती है, हम मुसीबत बोल सकते हो, तो मुसीबत में जो उसका करेज था, उसका साहस था, वो फेल हो गया, वो मतलब वो उसके अंदर जो फीलिंग थी भाई कि मुझे हटा देना चाहिए, लेकिन वो हटा नहीं पाया, तो वही लिखा है कि बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, मुसीबत के समय उसका जो साहस था वो फेल हो गया, वो मतलब कि उसने छोड़ दिया आशा कि भाई मेरा भाई हटेगा, क्यों, क्योंकि लिखा है आगे हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनोवर्स विच डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, हिज फर्टाइल ब्रेन मतलब जो उसका उपजाऊ दिमाग था, अर्थात उपजाऊ दिमाग कहने का अर्थात है कि मतलब है कि जो नए नए विचार आते थे उसके दिमाग, जो नए नए विचार आते थे हाउएवर जैसे भी रैपिडली सीज्ड भरे हो, मतलब जो लगातार भरे होते थे, सीज मतलब यहाँ है जो एक तरीके से बने होते थे यानी कि उसके दिमाग में भरे होते थे, अपॉन अ न्यू मैन्यूवर मतलब जो आप देख रहे हो साफ साफ, यहाँ जो आपको दिख रहा है मैन्यूवर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसका मतलब होता है आपका कि मतलब कोई उद्दंड काम करना या कोई गलत थॉट रखना, ठीक है ना, तो वो उसके दिमाग में चल रहा था, किसके दिमाग में,
प्रतीक के दिमाग में, तो वही लिखा है। सॉरी मैं जूम इन कर रहा हूँ, जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। लिखा है हिज फर्टाइल ब्रेन, जो उसका उपजाऊ दिमाग था, यानी जो उसके दिमाग में बार बार चीज़ें चल रही थी, हाउ ओवर रैपिडली सीज्ड अपॉन अ न्यू मैनेवर, एक नए उद्दंग नए विचार को वो हमेशा सीज किया रहता था, हमेशा बांधा रहता था। अर्थात तो उसके दिमाग में नए नए विचार आ रहे थे, उद्दंग विचार आ रहे थे, ठीक है ना। विच डिसकम्फर्ट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को डिसकम्फर्ट कर सकता था, यानी कि एक तरीके से उसको बोल सकते हैं कि परेशानी पहुंचा सकता था उसके भाई को। तो बार बार ऐसे ऐसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर एंड एडेड अम्यूजमेंट, ठीक है ना, और जिसको वो अफोर्ड कर सकता था, मतलब जिसको वो लागू करवा सकता था अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। फिर लिखा है ही गेव द वर्ड ऑफ द कमांड टू द रोल द लेग लॉग, लॉग मतलब लकड़ी को गट्ठा, या सिंपल आप सामान सोच सकते हो, माल जो चढ़ना वाले था नाव पे। तो लिखा है कि ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, वर्ड ऑफ कमांड मतलब आदेश, उसने मतलब एक आदेश दिया अपने भाई, अपने दोस्तों को आदेश दिया होगा टू रोल द लॉग, कि लॉग को रोल कर दो, लॉग को घुमा दो, भाई जिसमें मेरा भाई बैठा है उसको घुमा दो, तो भाई मेरा भाई गिर जाएगा और हम उसको हटा सकते हैं उस लॉग को। रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, ठीक है ना, और माखन के साथ वो लकड़ी भी या वो लॉग भी है, वो भी क्या हो जाएगा, रोल हो जाएगा, घूम जाएगा। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने यह ऑर्डर सुना, एंड मेड इट क्या लिखा है, मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, और उसके दिमाग में भी कहा गया कि मैं अब देखो भाई का ऑनर, तो छोटे भाई का भी एक होगा प्राइड, अरे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं बैठा रहूँगा, अगर मैं यहाँ से हिल गया गया गिर गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वही लिखा है एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, स्टिक ऑन मतलब लगे रहना या चिपके रहना। तो उसके अंदर भी एक ऑनर की फीलिंग आ गई, एक सम्मान की फीलिंग आ गई, और वो बना रहा था पॉइंट कि मैं वहीं बैठा रहूँ, स्टिक रहूँ। बट ही ओवरलुक द फैक्ट, पर वो फैक्ट को ओवरलुक किया, वो मतलब उसने ध्यान नहीं दिया फैक्ट को। कौन सा फैक्ट, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, दैट देयर वॉज पेरिल इन इट, पेरिल मतलब होता है दुख या परेशानी, ठीक है ना। तो लिखा है लाइक हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, जो मतलब कि दूसरे दूसरे मतलबों में या दूसरे दूसरे किसी भी चीज़ों में जो अर्थली फेम, जो सोचते हैं कि भाई मैं ज़मीन से चीज़ें निकाल दूंगा, यानी कि किसी दूसरे के मामले में फंस आकर मैं फेम कमा लूँगा, वो जो ये विचार रखते थे, दैट देयर वर पेरिल इन इट, वो उसमें ज़रूर फंसते थे। ध्यान समझिए क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कहना चाह रहा है कि लास्ट लाइन फिर समझा दे रहा हूँ, बट ही ओवर लुक द फैक्ट, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नज़रअंदाज किया उस तथ्य को, किस तथ्य को, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम, मतलब जो चाहते हैं कि उनको सांसारिक अर्थलिक फेम मतलब सांसारिक प्रसिद्धि मिल जाए, इन अदर मैटर किसी दूसरे मामले में, किसी दूसरे बहस में उनको लगे कि भाई मैं कवर कर लूँगा, मैं इसका इस मत कहानी का हीरो बन जाऊँगा, ये हो जाएगा, मैं कुछ कह कर दूंगा, मुझे सांसारिक प्रसिद्धि मिल जाएगी, मुझे जो मेरे आसपास के लोग हैं वो जान जाएंगे, देयर वॉज अ पैरल इन इट, वो हमेशा ये जान जाएं कि उसमें हमेशा दिक्कत ही होती है, परेशानी ही होती है जो किसी दूसरे के मामले में घुसते हैं, ऐसा मतलब उसने इस बात को नज़रअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया। फिर लिखा है आगे लास्ट लास्ट लाइन है, दो लाइन है इस आज इस वीडियो की, लिखा है द बॉयज बिगेन टू हीव एट द लॉग विथ ऑल देयर माइट, माइट मतलब ताकत, यहाँ ताकत मतलब है ताकत, ठीक है, माइट मतलब आपको पता है मे का पास्ट फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ मतलब ताकत है, कि जो लड़के थे बिगेन टू हीव एट द लॉग, वो मतलब एक तरीके से तैयार हो गए हीव करने को, उसको उठाने के लिए, विथ ऑल देयर माइट अपने सभी ताकत, जो उनके ताकत थी उसका प्रयोग करके उसको उठाने के लिए वो तैयार हो गए, या वो करने लगे, बिगेन टू मतलब होता है करने लगे, वो करने लगे, कॉलिंग आउट बोलते हुए, 1 2 3 गो बोलते हैं ना, 1 2 3 बोलते हैं ना हम लोग, 1 2 3 जय लगा के ऐसे बोलते हैं ना, जो लगा के ही ऐसे, तो वही है हाइशा बोलते हैं लोग, 1 2 3 गो, 1 2 3 गो, उन्होंने वो लॉग उठाया, एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, मतलब ये जो गो वर्ड था इससे क्या हुआ, लॉग उठा, अर्थात जो जो सामान था, जो लकड़ी का सामान, जो किसी का सामान था वो उठा, उठा मतलब बच्चों ने उठा दिया, एंड विथ इट वेंट माखन्स फिलोसफी ग्लोरी नॉट ऑल, और इसी के साथ माखन की जो फिलोसफी थी, जो माखन की जो दर्शनता थी,
जो उसकी प्रसिद्धि थी कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ, कोई हिला नहीं पा रहा है, और जो भी उसकी जो भी उसके अंदर जो विचार थे वो सब क्या हो, वो भी उठ गए, अर्थात अब वो पलटने वाले हैं। अब क्या होने वाले हैं, वो पलटने वाले हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट यही ख़त्म होती है कि जो छोटा भाई है अब उसकी जो जो भी उसने शर्त रखी थी या जो भी वो कर रहा था वो क्या, वो आखिरी में पलट गया, वो बात पलट गई, वो खुद पलटने वाला है। आगे की स्टोरी में पढ़ेंगे वो क्या होने वाला है। बहुत मज़ेदार है, थोड़ी सी इसमें लास्ट के कुछ जो आपको पैराग्राफ मिलेंगे वो थोड़े से इमोशनल होंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है और ये आप पढ़ोगे तो आपको समझोगे कि कितनी अच्छी तरीके से राइटर ने इसको लिखा है। तो प्लीज़ आपने इतनी बातें समझी, आपको कोई वर्ड कोई सेंटेंस नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें, शेयर करें, इतना हो सकता है उतना शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और साथ में इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का भी वीडियो मिल जाए, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसको नोटिफिकेशन सूचना मिलेगी, आप उस हिसाब से अपना वीडियो देख सकते हो जब भी आप फ्री होगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना आप चीज़ों को जानेंगे, आप ग्रामर के वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो बहुत चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती जाएंगी। सो आपने ये वीडियो देखा उसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।